सीएम विंडो की शिकायत को किस तरह से दफ्तर दाखिल कर दिया जाता है, इसका जीता जागता एक उदाहरण इंद्री हल्के के छोरा खालसा गांव में देखने को मिला है, जहां पर सीएम विंडो पर की गई एक शिकायत का निवारण करने की बजाय स्थानीय भाजपा नेता द्वारा कागजों में उस रास्ते को मनरेगा के तहत बना हुआ दिखाकर खारिज करवा दिया गया। और तो और इस पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है, फिर भी यह शिकायत किस तरह से दफ्तर दाखिल कर दी गई, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह घटना इंद्री हल्के के गांव चोरा खालसा की है, जहां बस स्टैंड के पास पहले से बने हुए एक गोहर के आधे रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे उस रास्ते के मार्ग में बने रिहायशी मकान व जमीन मालिकों को अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में अनेकों बार गांव के सरपंच और अन्य अधिकारी को शिकायत की गई, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाया है। शिकायतकर्ता गौरव ने बताया कि यह रास्ता काफी समय से चालू हालत में था। इस रास्ते में कई लोगों की जमीनें व रिहायशी मकान हैं। इस रास्ते के बंद हो जाने से खेती करने व घरों में जाने वालों को मुश्किलें हो रही हैं। यह लगभग 2 किले का रास्ता है, जहां से मौजूदा सरपंच ने साथ ही नए बन रहे 3 पॉइंट सिस्टम के लिए मिट्टी यह कहकर उठाई थी कि वो बाद में इस रास्ते को पक्का करवा देगा, लेकिन उसने बाद में ऐसा नहीं किया और अब इस रास्ते पर बड़ी बड़ी घास उग गई है, जिससे यहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। गौरव ने बताया कि वो 2 बार राज्य मंत्री करणदेव कांबोज को भी अपनी इस समस्या को लेकर मिल चुका है, लेकिन वहां से भी कोई हल नहीं निकल पाया। तो तब उन्होंने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई, जहां से इस शिकायत को यह रास्ता बन चुका है लिखकर खारिज करवा दिया गया। गौरव का कहना है कि जबकि मौके पर यह गोहर का रास्ता वैसा ही बना हुआ पड़ा है। शिकायतकर्ता उर्मिला व ईश्वर का कहना है कि इस गोहर के रास्ते के ना बनने से बच्चों को स्कूल भेजने में काफी परेशानी हो रही है, बरसात के दिनों में यहाँ से गुजरना और भी मुश्किल हो जाता है। इनका कहना है कि इस बारे में कई बार पंचायत व अधिकारियों को बताया जा चुका है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। बल्कि ब्लॉक समिति सदस्य संदीप ने कहा कि पहले यह रास्ता चालू हालत में था, लेकिन मिट्टी उठने के बाद यह चलने लायक भी नहीं रह गया। मैंने भी सरपंच को यह रास्ता पक्का करने के बारे में कहा, लेकिन वो इसको पक्का करवाने में आनाकानी कर रहा है। इस बारे में इंद्री के BDPO अंग्रेज दक्ष मोर ने कहा कि इस बारे में अभी जानकारी मिली है, मैं खुद मौके पर जाकर देखकर ही इसके हल के बारे में बता पाऊंगा। ये दीजिए, ये मेरा रास्ता था जो मेरे डेरे पे जाता था, मेरा डेरा और घर वहीं पे है, तो ये रास्ता मेरा चालू था। सरपंच ने इसमें से मिट्टी उठवा के, ग्राम चोरा के सरपंच ने, तो मैंने उसको रोका, वो बोला मैं मिट्टी करवा दूँगा इसमें, उसने मिट्टी नहीं करवाई। उसके बाद इस रास्ते के साथ जोहड़ लगता था, जोहड़ पीछे बरसाते हुई पिछले साल, तो बरसाते ज़्यादा होने की वजह से वो आड़ टूट गई और रास्ता बंद हो गया, और जिसकी वजह से पिछले जीरी के सीज़न में सारा पानी जोहड़ का मेरे खेतों में भी गया। रास्ता बंद होने के साथ साथ मेरी फसल का भी नुकसान हुआ 3 किले। उसके बाद मैंने पहले इसकी शिकायत करनाल DC साहब को दी, DC साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। उसके बाद मैंने ये दरखास्त सीएम विंडो को दी, तो वहाँ से BDO कुंजपरा ने इस रास्ते को पक्का बना हुआ दिखाई दिया और मेरी दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर सीएम विंडो पर मंडल अध्यक्ष के साइन थे, नंदलाल पंचाल जी के, मैंने उनको भी मौके पर बुलाया, उन्होंने मेरे को धमकाया, बताते जो होता है कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, सरकार है हमारी ऊपर नीचा। उसके बाद मैं तो मायूस होकर बैठ गया। पीछे मेरी जो गेहूँ की फसल कटी, मेरे खेत में जाने के लिए कंपाइन का कोई रास्ता नहीं था। मैंने लोगों के खेतों से अपनी फसल को बाहर निकाला, ना मेरे खेत में ट्रैक्टर टैली जाते, ना कंपाइन जा सकती, और बरसात के दिनों में मोटरसाइकिल जाने का भी रास्ता नहीं है, पैदल ही जाना पड़ता है। कितना लंबा रास्ता है जो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया? ये लगभग 2 किले का रास्ता तो बिल्कुल डैमेज ही हो लिया, बाकी जो आगे चालू है उसमें मैंने अपने खर्चे से मिट्टी करवाई है, वो तो थोड़ा सा मोटरसाइकिल जाने का रास्ता है। सर, मैं अपना रास्ता चालू कराना चाहता हूँ, प्रशासन से मेरी यही अपील है भाई मेरे रास्ते को चालू किया जाए। मंत्री जी को मिला जी, मंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, लिखित में मैंने वहाँ दिया नहीं, 2 बार मैं मौखिक ही मिला उनसे, वो कह रहे हैं मैं करा दूंगा। उसके बाद वहाँ जाते हैं वो भी धमका के फेल देते हैं। बच्चे हैं वो स्कूल में छोड़ना आना पड़ा, और असी मैं सांप सिलेंडर से फिरा गोर में बता पानी भर रहा 24 घंटे से, जहाँ बारिश हुई कुंड का पानी निकल रहा, इसमें कुंड के पानी का कोई प्रबंध नहीं होया 2 साल है, फिर रह जाकत हाँ, फिर 2 किलो का रास्ता है, बता इसमें किक्कर लिखा हम। और ये रास्ता पक्का दिखा कागजों में क्या दिखाया? हाँ पक्का दिखा रखा कागजों में, तो यू हाँ अपना रास्ता पानी पड़ा पर है कुंड का, हर सरपंच ने ठाया का मट्टी अपने घेर में घेर ली इसमें। किसने दिखाया पक्का रास्ता कागजों? ये नहीं दिखाया होगा सरपंच ने, दी ऊपर लिखा भी हमें पक्का बना दिया। यू कैसे ऐसे आते जाते हो?
भाई यूं जावा धक्के भरका जावा जी बच्चों छोड़न जावा पानी में नहीं जावा लिकड़ कर क्या करा बता क्या करा फिर नहीं लिकड़ नहीं धक्के खा रहे हम तो जमीन मारी है सारी ले ली इंक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने बता रास्ता मर दिया नहीं बता क्या करा अबला ये है जी इनको आने जाने में दिक्कत है यहाँ पे इनका गोर पहले मिट्टी थी इसमें तो सरपंच ने खुदाई करा के उठा दिया वो चोर के सरपंच ने तो उसके बाद वो कह रहा था मैं गिरा दूंगा तो गिराई है नहीं इसने बस कहा था अपना गीड़ का सरपंच ने बोला था उसको मैंने बोला था भैया गिरा दो कर दे मैं गिरा दूंगा तो उसके बाद उसने कोई गिराई नहीं जिसमें हाँ जी दो बार दरखास्त दे रखी है तो अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई नहीं जी नहीं सर इसके बारे में मेरे को नहीं पता जी और हम यही अपील करेंगे भाई रास्ता जल्दी जल्दी बनाया जाए ताकि इनको परेशानी ना हो ये रास्ते का है जी हमारा ये रास्ता पक्का हो जाए आगे जाने का रास्ता बन जाए पहले ये रास्ता खुला था हाँ जी खुला था चालू था जी तो अब क्या हुआ अभी इसमें पानी भर गया जो सरपंच ने कितने, जो कार्रवाई का 16.5 फुट है जी कितनी लंबाई है इसकी इसके 2 किलो की लंबाई होगी यहाँ तो क्या कि सरपंच क्या कहा सरपंच ने वो इसमें भी सुनाई कर दी तो क्या ये कागजों में इसको बना दिया हाँ जी बन गया कागजों में कैसे पता चला भी कागजों में पक्का दिखा रखा है और ये हम वहाँ गए थे ना जी सीएम विंडो की रिपोर्ट में हाँ जी हाँ जी आपका रास्ता तो पक्का है हाँ जी